डियर ICSE एंड ISC स्टूडेंट, बस एक मिनट के लिए सपोज कर लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक मिनट के लिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर ICSE क्लास 10 एंड ISC क्लास 12 2021 को कैंसिल कर दिया जाए तो क्या असर पड़ेगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 2 वीक का टाइम लिया, जब CISE ऑफिशियल से बातचीत की, हेड एग्जामिनर एग्जामिनर के अलावे ICSE और ISC के एग्जामिनेशन प्रोसेस और रिजल्ट ओरिएंटेशन से जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपर्ट के व्यू लेने के बाद 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पता किया आपके साथ शेयर कर ले रहा हूं। 2020 की तरह 2021 का सिचुएशन नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से 2020 में प्री बोर्ड के मार्क्स के अलावे मार्क्स मेथोलॉजी का नया सिस्टम डिवाइस किया गया था, ऐसा नहीं होगा। दूसरे अल्टरनेटिव ऑप्शन खोजे जाएंगे। मतलब यह कि अगर ये बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हुए तो उस कंडीशन में ICSE क्लास 10th और ISC क्लास 12th के बोर्ड स्टूडेंट के ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रोसेस जो भी स्कूली लेवल पर हुए होंगे और उनके रिजल्ट हैं पूरे साल के, उसको कंसीडर किए जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट के लिए। दूसरी बात कि क्या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स को CISE मांग सकता है? हाँ, अगर 2021 के ICSE क्लास 10th और ISC क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाते हैं, उस कंडीशन में CISE पहले से ही स्कूलों को तैयार कर रखा है कि अपने स्टूडेंट के रिजल्ट जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं और उससे पहले के स्टूडेंट के एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन और डेटा को कलेक्ट करके रखिए, क्योंकि जरूरत पड़ने पर इन डेटा को मांगा जा सकता है। तीसरी बात यह बोली गई है कि संबंधित क्लास टीचर जो क्लास 9th और क्लास 10th में किसी भी स्टूडेंट के साथ डील कर रहे होंगे, जो स्टूडेंट अभी ICSE क्लास 10th में हो वो ICSE क्लास 9th में होंगे, उस दौरान उनका फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ होगा। इसी तरह से जो स्टूडेंट अभी ISC क्लास 12th में होंगे वे ISC क्लास 11th में होंगे, इस दौरान उनका फिजिकल एग्जामिनेशन या प्रोसेस हुआ होगा। उस दौरान उनके क्लास टीचर कौन से आउटलुक रखते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट के बारे में, फिर सब्जेक्ट टीचर की बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। अगर 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन के ICSE क्लास 10th और ISC क्लास 12th वाले रिजल्ट प्रोडक्शन के हाइपोथेसिस को दोहराया गया, उस कंडीशन में स्टूडेंट के साथ कंप्लीटली इनजस्टिस हो जाएगा। इसलिए CISE ऑफिशियल ऑफ द रिकॉर्ड और सभी एक्सपीरियंस्ड हेड एग्जामिनर बताते हैं, किसी तरह के अल्टीरियर सिचुएशन में स्टूडेंट को उनके साथ उनके स्कूली लेवल के परफॉर्मेंस और प्री बोर्ड के एग्जामिनेशन से मार्क्स के इंक्रीजमेंट की गुंजाइश को ध्यान में रखना होगा। हालांकि अभी ये सारी बातें हाइपोथेसिस में है, लेकिन इन बातों पर भी बहुत सारे लोग बहुत स्तर पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि एकेडमिक सेशन को जुलाई के बाद डिले नहीं किया जा सकता और स्टूडेंट जो ICSE क्लास 10th के हैं उनके तो पूरे एक साल बर्बाद होने के कंडीशन में चले आएंगे और ISC क्लास 12th वाले के साथ जस्ट अपोजिट सिचुएशन हो जाएगा स्टडी के लेवल पर, उनके एडमिशन और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी को लेकर। जुलाई का फर्स्ट वीक कंप्लीट लास्ट टारगेट टाइम होगा जब सारे एग्जामिनेशन प्रोसेस 2021 वाले कंप्लीट करने के बाद आंसर बुकलेट की चेकिंग करने के साथ ही रिजल्ट के प्रोडक्शन के लिए CISE इंटरनली तैयार है, और अगर इसमें कहीं तरह के कुछ ब्रेकेज आ जाते हैं तो हाइपोथेटिकल कंडीशन को भी अज्यूम करते हुए इस बात के लिए डिफरेंट स्टेप्स पर कंसीडर किया जा सकता है कि क्या किया जाना चाहिए। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है कि स्टूडेंट के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स से बोर्ड एग्जामिनेशन के मार्क्स बढ़ के मिलेंगे, इसके बाद प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट में जो भी मार्क्स है इंक्रीजमेंट कर दे दिए जाने
पर विचार किया जाएगा। और इस विषय पर मैं वीडियो बना के बता चुका हूँ, सीआईएससी के डिफरेंट लेवल पर यह माना जाता है कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से लेकर बोर्ड एग्जामिनेशन के बीच में स्टूडेंट के मार्क्स 5% से लेकर 40% तक के शार्प हाइक ले सकते हैं, इसलिए भी इन बातों को नजरअंदाज नहीं करेगी। और एक थम्स अप इस वीडियो के लिए, सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर ऑसम थॉट्स एज वेल एज अपडेट्स।